नमस्कार, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा। इस वीडियो में चर्चा करेंगे नवग्रह मालक के बारे में। हमारी वेबसाइट www.whitelotusspirituality.com में इस रुद्राक्ष का विवरण दिया गया है, फोटो भी दिया गया है। कुछ लोगों ने इसके बारे में और कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए, इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूं। नवग्रह माला का मतलब यह है कि इसमें एक जो माला है उसमें 9 टाइप के रुद्राक्ष होते हैं। 9 टाइप्स रुद्राक्ष इन दिस। तो ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों के लिए ये माला बनाई गई है। इसको कौन पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए? इसको वही व्यक्ति पहनना चाहिए जिसके जिंदगी में बहुत सारे समस्याएं हैं। हेल्थ का प्रॉब्लम है, वेल्थ का प्रॉब्लम है, जॉब का इश्यूज है, संबंध रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ लोगों के चार्ट इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसमें सभी ग्रह कुछ ना कुछ रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर में मंगल का दृष्टि है, शनि का दृष्टि है, शनि बुध के साथ बैठा हुआ है, मार्स बुध को देख रहा है, कालसर्प का दोष है। तो इस प्रकार से कुछ चार्ट ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि जिंदगी इतना दुरूह हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड इतना हो जाता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है और समझ नहीं पाता है कि करूं तो क्या करूं। तो आप नवग्रह माला जरूर पहने। दूसरे वाले, कुछ लोग उनको जन्म तारीख मालूम नहीं है। जन्म तारीख मालूम है तो टाइम सही सही मालूम नहीं है, तो किस प्रकार से हम कुंडली बना सकते हैं? तो जब हम कुंडली नहीं बना सकते हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तब भी ये नवग्रह माला पहनना चाहिए। ये नवग्रह माला में होते क्या क्या है? जनरली हम क्या करते हैं कि क्योंकि नेपाल के बहुत बड़े साइज का आते हैं तो ये इंडोनेशिया के रुद्राक्ष बनाते हैं। इसमें हम जैसे ये आपका एक देखेंगे, ये चार्ट है, ये एक लेबोरेटरी का चार्ट है, सर्टिफिकेट है। इसमें सभी रुद्राक्ष के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपके शनि के लिए 17 मुखी रुद्राक्ष इसमें है, केतु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष है, मार्स मंगल के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष है, बृहस्पति के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष, चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष, बुध ग्रह के लिए 15 मुखी रुद्राक्ष, शुक्र के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष, सूर्य के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष और राहु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष। तो आपके सभी 9 ग्रह जो हुए, इन सभी के समाधान के लिए हमने ये नवग्रह की माला बनाई हुई है। तो ये नवग्रह माला आप यदि पहनेंगे तो आपके जितने प्रकार के समस्या हैं, स्वास्थ्य संबंधी हो, धन संबंधी हो, रिश्ते के संबंधी हो, जो भी बाधा विघ्न है, जो भी परेशानियां हैं, सबका एक निदान जो है नवग्रह माला है। इसको पहने उत्तम स्वास्थ्य पाए, उत्तम धन की प्राप्ति करें, मन में शांति पाए, यश पाए, सम्मान पाए, तरक्की पाए, सभी प्रकार के सुख सुविधा से भरे रहें। तो नवग्रह माला का उपयोग कौन करेगा? जिसको समय ठीक से मालूम नहीं है या जिंदगी में बहुत सारे समस्याएं एक के बाद एक आते रहती हैं। तो इसके फायदे बहुत अच्छी तरह से मिलता है, देखा गया है, बहुत परीक्षित है, इसको जरूर आजमाया। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, नमस्कार।